गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन पांडे। आज आप सभी क्लास एट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेसन रेशनल नंबर लेकर आया हूँ। ओके बच्चों, रेशनल नंबर देखने से पहले हमें प्रीवियस क्लास में पढ़े गए कुछ नंबर्स को देखना होगा, जो कि हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स। इनमें फ्रैक्शनल नंबर के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। गिनती की संख्याओं की यानी काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4। ध्यान देंगे, 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए 0 इस नेचुरल नंबर में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ 0 भी सम्मिलित होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। थोड़ा फ्रैक्शनल नंबर के ऊपर ध्यान देंगे, यह हमारा विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैक्शनल नंबर यानी ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हों, जहां पी और क्यू दोनों होल नंबर्स हों, दोनों होल नंबर्स हों, पी और क्यू दोनों होल नंबर्स हों, तथा साथ ही साथ क्यू नॉन जीरो नंबर हो, यानी क्यू मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे 0/1, 1/2, 5/3। मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर ये दोनों करीब करीब एक समान मिलते जुलते हैं। इन दोनों में एक छोटी सी अंतर होती है, केवल और केवल एक छोटी सी अंतर होती है। इसलिए फ्रैक्शनल नंबर को एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q दोनों के दोनों होल नंबर्स हों, p और q दोनों के दोनों होल नंबर्स हों, लेकिन q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 0/1, 1/2 और 5/3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर के समूह को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। उनमें जो हमारी संख्याएं आती हैं वो हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। यहाँ -3 से पहले की भी संख्या हो सकती है और 3 के बाद की भी संख्याएं हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है रेशनल नंबर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पर ध्यान देंगे। एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों करीब करीब मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ी सी अंतर है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए चलते हैं रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर्स यानी ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, लेकिन क्यू नॉन जीरो नंबर हो, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर के रूप में कहा गया है, जबकि फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को होल नंबर के रूप में बताया गया है। इस बात का भरपूर ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल के तौर पर 0/1, -1/2, 3/-2 एक्सेट्रा। ध्यान देंगे, यह 0 होल नंबर के रूप में भी आया है, इट मीन्स 0 होल नंबर भी है, 0 फ्रैक्शनल नंबर के रूप में भी आया है, यानी 0 फ्रैक्शनल नंबर भी कहलाता है, 0 हमारा इंटीजर्स के ग्रुप में भी है, यानी 0 इंटीजर्स में भी आता है, और साथ ही साथ 0 रेशनल नंबर के भी ग्रुप में भी आता है। आइए रेशनल नंबर के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। रेशनल नंबर का पहला टाइप है निगेटिव रेशनल। निगेटिव रेशनल यानी ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी रेशनल नंबर जिनमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव इंटीजर के रूप में हो, तो इन संख्याओं को हम लोग निगेटिव रेशनल कहते हैं, जैसे -1/2, 7/-2। दूसरा प्रकार एक आता है जीरो रेशनल का। जीरो रेशनल में केवल और केवल 0 ही आता है। तीसरा पॉजिटिव रेशनल्स यानी
ऐसी रेशनल नंबर का समूह, यानी ऐसी रेशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो इन संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, -3/-5 एक्सेट्रा। अब रेशनल नंबर के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते हैं। इनमें तीन प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से हैं हमारे सामने में। पहली है कि यदि a by b कोई रेशनल नंबर है तो इस a by b में यदि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आने वाला नया नंबर हमारे पास जो आता है वो a by b के इक्विवेलेंट होगा। इट मीन्स यदि a by b कोई रेशनल नंबर है तो a इंटू पी बाई बी इंटू पी भी हमारा एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो कि a by b के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आती है, यदि a by b कोई एक रेशनल नंबर है तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी a और b दोनों में यदि किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए तो यहाँ भी प्राप्त संख्या हमारी a by b की इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण है कि यदि a by b और c by d दो रेशनल नंबर हैं और ये कुछ इस तरीके से हैं कि a by b और c by d आपस में बराबर हैं तो यहाँ a इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। इट मीन्स कि पहले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये पहले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के प्रोडक्ट के बराबर आते हैं, यानी a इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। वैसे रेशनल नंबर्स का जो समूह होता है वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें अपने मैथमेटिकल वर्क के लिए इन रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होता है। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ऐसा रेशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF केवल और केवल 1 आए तथा साथ ही साथ Q हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब कुछ रेशनल नंबर्स को कंपैरिजन भी करना पड़ता है, एक दूसरे से तुलना भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला नियम है कि निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा जीरो से छोटे होते हैं तथा साथ ही साथ पॉजिटिव रेशनल नंबर a by b जीरो से बड़ा होता है। चलिए इन्हें एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स 1/2, 3/4, 1/5। इनके सॉल्यूशन के लिए हम पहले इन तीनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेते हैं जो हमारे पास आता है 20। अब इन तीनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 20 के बराबर करना है। इट मीन्स इन तीनों रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है जिससे कि इन तीनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स 20 हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखते हैं 10/20, 3/4 के लिए 15/20, 1/5 के लिए 4/20। अब हमें जो प्राप्त है नया रेशनल नंबर, इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग कंपेयर करने पर ये पाते हैं कि 4/20 इन तीनों में सबसे छोटा है, 10/20 उससे बड़ा और 15/20 सबसे बड़ा है। 4/20 जो कि 1/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था, तो इट मीन्स 1/5 यहाँ सबसे छोटा, 1/2 उससे बड़ा और 3/4 सबसे बड़ा है। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इक्वेशन के रूप में हमारे सामने में आ रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। फर्स्ट है -3/4 एंड सेकेंड 5/2। अब यहाँ हमें सबसे पहली बात यह देखनी होगी कि दिया गया रेशनल नंबर निगेटिव है या
पॉजिटिव। क्लियरली हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है माइनस थ्री बाई फोर या एक निगेटिव रेशनल है, इट मीन्स यह जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा यानी जीरो के लेफ्ट में ही होगा। तो उसके लिए पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, सेंटर में जीरो को इंडिकेट कर देते हैं और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और जीरो के राइट साइड में प्लस वन, जिसे कि वन के रूप में भी लिखा जाता है, टू, थ्री, फोर एक्सेट्रा आगे बढ़ते जाएंगे। ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हो, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। इन सबको मार्क कर देने के बाद में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है माइनस थ्री बाई फोर। माइनस थ्री बाई फोर निगेटिव रेशनल है यानी यह जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। हमें अब यहाँ पर यह देखना है कि यह होल नंबर में, होल में कितनी नंबर हैं। होल में हमारे सामने में यहाँ पर मिल रहा है जीरो, होल में कोई भी नंबर नहीं है, यानी यदि इसे हम लोग देखें तो यह प्रॉपर निगेटिव रेशनल नंबर है। प्रॉपर निगेटिव रेशनल नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो यहाँ होल नंबर में हमारे सामने में कुछ नहीं है, इट मीन्स कि यह जीरो और वन के बाद में आएगा। तो जीरो और वन के बीच वाले ब्लॉक में डिनोमिनेटर के हिसाब से, चूँकि डिनोमिनेटर यहाँ फोर है, तो जीरो और माइनस वन के बीच में फोर इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, फोर इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, इट मीन्स थ्री कटिंग करनी है इक्वल डिस्टेंस पर। थ्री कटिंग करने पे हमारे सामने में जीरो और वन के बीच का जो ये पार्ट है यह फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और अब लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा खंड मिलता है, पार्ट मिलता है, ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर। दूसरा पार्ट जो हमारे पास में आएगा ये हो जाएगा माइनस टू बाई फोर। और ये तीसरा भाग जो होगा ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री बाई फोर। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? और ये माइनस वन के पास जब आएंगे तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा माइनस फोर बाई फोर। माइनस फोर बाई फोर इक्वल माइनस वन। ओके, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में फाइव बाई टू। फाइव बाई टू क्लियरली हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर तो है, लेकिन साथ ही साथ यह पॉजिटिव इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है। तो पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड रेशनल नंबर के रूप में तोड़ लें। क्लियरली फाइव बाई टू इक्वल्स टू होल वन बाई टू। क्लियरली यहाँ पर फाइव बाई टू जो है यह हमारा हो गया टू होल वन बाई टू। चूँकि यह हमारा जो रेशनल नंबर है यह पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इट मीन्स कि यह जीरो के राइट साइड में आने वाला है। तो अब ध्यान दें यहाँ होल कितना, टू, इट मीन्स यह जो हमारा रेशनल नंबर है यह टू से बड़ा है लेकिन थ्री से छोटा है। तो इसका जो स्थान हम बनाएंगे वो टू और थ्री के बीच में बनेगा। तो उसके लिए अब हमें टू और थ्री के बीच में इनका स्थान देना है। यहाँ स्थान देने के लिए ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है टू। इट मीन्स कि हमें टू और थ्री के बीच में एक कट करके इसको दो भागों में बांट देना है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस में दो भागों में बांट देना है। अब क्लियरली ये जो हमारा पहला पार्ट आता है ये हो जाएगा टू होल वन बाई टू। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और यदि अपने इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 1 PM से लेकर 3 PM के बीच में नाइन फाइव सेवन टू एट थ्री वन सिक्स थ्री सेवन पर कॉल कर सकते हैं। आई रिपीट, 1 PM से लेकर 3 PM के बीच में
9572831637 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।